05 श्री नितेश जी अपना प्रश्न रखेंगे। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ प्रश्न सरकार के गृह मंत्री से पूछना चाहूंगा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव आए। ना कश्मीर में ससुराल चाहिए, ना ही वहाँ कोई मकान चाहिए। ना कश्मीर में ससुराल चाहिए, ना ही वहाँ कोई मकान चाहिए। बस कोई फौजी शरीर तिरंगे में लिपट करना है, बस कोई फौजी शरीर तिरंगे में लिपट करना है। अब ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, अब ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक बात की जाए जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता अब सामान्य में स्थिति में है, विपक्ष की स्थिति में सामान्य नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने भाषण किए थे 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा सकेंगे। कुछ नहीं हुआ माने पर कुछ भी नहीं कि मुद्दतों के बाद जो कश्मीर से 370 धारा हट गया, मुद्दतों के बाद जो कश्मीर से 370 धारा हट गया, अब ऐसा लगता है मानो, अब ऐसा लगता है मानो आज दिन के सामों का कलेजा ही फट गया। बदलाव कैसा बदलाव महोदय जी, आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं, जरा स्पष्ट करें। कैसे बदलावों की बात कर रहे हैं आप? आज वहाँ की जनता अपने आप में खुशहाल महसूस कर रही है, जो उनके मन में आतंकवाद का भय छाया हुआ था वह समाप्त हो गया है। अब जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों से आए हुए व्यक्ति भी जमीन ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी अब शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे भारत के हर कानून का लाभ उठा सकेंगे। पहले वहाँ की जो आम बेटी है वह अपने पैतृक को जैसे बाप दादा की जमीन नहीं ले सकती थी, साथ ही किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती थी, लेकिन 370 हटने के बाद आज ये सारे अधिकार उसे प्राप्त हो गए हैं। साल 2016 में 2653 पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई, लेकिन 370 निरस्त होने के साथ के अंदर इसमें 90% से ज्यादा की कमी आ गई। अब बजट की बात करें तो कौन सा बजट मोहन जी, किस बजट की बात कर रहे हैं, जरा स्पष्ट करें। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि विपक्ष की सांसद आज केवल सदन को गुमराह करने की सोच मन में लेकर आई है। अध्यक्ष जी, मैं जम्मू कश्मीर पर निर्धारित बजट से सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। साल 2021-22 में शिक्षा क्षेत्र का बजट 1463 करोड़ था, लेकिन साल 2022-23 में बढ़कर 11870 करोड़ तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो 1470 करोड़ का बजट था, लेकिन साल 2022-23 में 8575 करोड़ तक हो चुका है। महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हजारों कश्मीरियों और हमारे वीर जवानों के बलिदान के बाद आज हम और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग कहलाने में फख्र महसूस करते हैं। जो विपक्ष ने कभी चाहा नहीं और इन्होंने चाहा होता तो सत्ता में आज इनकी सरकार होती हमारे लिए। प्रश्न संख्या 306 श्री अक्षय जी अपना प्रश्न रखेंगे। जब सारी दुनिया खुद की बचाने में जुटी है जान, जब सारी दुनिया खुद की बचाने में जुटी है जान, तब ये जानवर खेल जीत की कर रहे हर चाल नाकाम। इनके हौसलों से ही जीतेंगे कोरोना की ये भीषण जंग, इनके हौसलों से ही जीतेंगे कोरोना की ये भीषण जंग। इन कोरोना योद्धाओं को हम दिल से करते हैं नमन, दिल से करते हैं नमन। जैसा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि कोरोना महामारी के द्वारा पैदा की गई विकट परिस्थितियों से हम जूझते हुए धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो माननीय मोदी जी, मैं आपके माध्यम से देश के स्वास्थ्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अस्पतालों का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को इलाज के लिए शहरों में जाना पड़ता है, इसके लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय महोदय, मैं बहुत खुश हूँ कि विपक्ष के मेरे मित्र ने मुझसे ऐसा प्रश्न किया। मानिए, यह बात अगर जाहिर है कि कोरोना महामारी से कि हम सभी अभी तक कोरोना महामारी से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं,
इस घातक महामारी ने देश को ही नहीं पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है। तो माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा कि कोरोना के चलते ग्रामीण वासियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन मान्यवर हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी से राहत दिलाने के लिए जगह जगह कैंप लगाए हैं। हमने 7000 करोड़ के बजट के अंतर्गत जगह जगह प्राथमिक चिकित्सक खोलने की घोषणा भी की है, जिससे क्षेत्र में रहने वाले मेरे भाई और बहनों को शहर में जाकर इलाज करवाने की जरूरत न पड़े। भारत जी, आपने जो बजट की जानकारी दी है उससे हम आश्वस्त हैं, लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न है कि सरकार की इतनी कोशिशों के बावजूद भी कोरोना पीड़ित रोगियों का आंकड़ा 20 लाख से पार हो चुका है, तो इसके बारे में हमारी सरकार क्या कहना चाहेगी? सभापति मोदी जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष से यह जानना चाहूंगा। माननीय महोदय, मेरे विपक्ष के मित्र जिन्होंने देश की स्थिति को भांपते हुए मुझसे ऐसा प्रश्न किया है, तो माननीय मैं आपके माध्यम से संसद में बैठे सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा कि मेरे विपक्ष के मित्र ने कोरोना की बात की है, तो हम सभी को कोरोना की स्थिति मालूम है। यह स्थिति हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मंडराई हुई है, और इस स्थिति से कोरोना की स्थिति ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। इस आपदा ने पूरे देश को रोक दिया है और हमारा देश थम गया है। माननीय महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारी देश की जनसंख्या दूसरे नंबर पर है। इतनी जनसंख्या होने के कारण भी हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारियों ने इस बीमारी को रोका, लेकिन फिर भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने इस बीमारी पर काबू पाया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य कर्मचारी ने इस कोरोना को रोकने के लिए बहुत सी संस्थाएं भी आगे आई हैं। माननीय मैं आपको एक और बात बताऊंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो अपने देश की लगातार देश की चिंता सता रही थी कि अब इसी स्थिति से हम बाहर कैसे निकल पाएंगे, माननीय महोदय ने कोविड-19 के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान भी किया, जो लगभग 75,000 करोड़ का था। इस बजट के इस बजट के अंतर्गत हमने जगह जगह कई कैंप लगाए और प्राथमिक चिकित्सक खोले।